जब घर पे मेहमान आए तो कैसे जैसे तैसे अपनी डाइट को थोड़ा बहुत मैनेज करा मैंने. सो डे 6 ऑफ आई ट्राई टू जुता द वेकर वेट लॉस इंस्पायर्ड डाइट. तो डे 6 को फर्स्ट थिंग मैंने बनाना खा लिया. हम ब्लू रेडी हुए हैं. गार्लिक ब्रेड भी बनाई है जो कि ब्रेकफास्ट में खाई है. तो जो पसंद की चीज़ें हैं उन्हीं को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया है ओवरऑल डे में. सो ब्रेकफास्ट में गार्लिक ब्रेड खा लिया जैसे, तो गार्लिक ब्रेड के नीचे हल्का सा गार्लिक बटर लगाया, ऊपर चीज़ और थोड़ा सा सब्जियां वगैरह. और फिर जब हाइड्रेशन की ज़रूरत हो तो जस्ट बी रेडी विद योर नारियल पानी, पहले से ही आप निकाल करके रख सकते हैं. एंड देन कुछ हेल्दी वाला स्नैक जो समझ में आ रहा हो, लाइक अभी लंच करने में ना मेरे को देर है, मुझे सबको खिला करके फिर खाना है, सर्व करना है, बीच में बनाना है. तो मैं पाइनएप्पल टिक्का खा रही हूँ. तो पाइनएप्पल टिक्का काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है और बहुत ही टेस्टी होता है और मैं तो बहुत बढ़िया बनाती हूँ. मेरी पाइनएप्पल टिक्का की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ. बहुत टेस्टी है. फिर सबको अच्छे से खाना वाना खिला करके ना, तो खुद का तो पेट देखो ऐसे ही भर जाता है, तो फिर बस ज़्यादा नहीं और खुद ध्यान से खाना है. तो मैंने डेढ़ रोटी और पनीर की सब्ज़ी खा ली जो घर पे ही बनाई है, खुद ही बनाई थी मैंने पनीर लबाबदार और बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं, और तमीज़ से हेल्दी मैनर में बनाती हूँ काफ़ी. और पाव भाजी भी मैं बहुत ही हेल्दी मैनर में बनाती हूँ, बट मैंने ज़्यादा नहीं खाई है. शाम का टाइम जब हो गया ना, हल्की भूख लगी तो मैंने आधा पाव खाया था, कॉकटेल क्यूट पाव वाला. और फिर मैंने घर में जीरा आलू बना था, तो मैंने जीरा आलू खा लिया था अच्छे से बिकॉज़ भूख लगी थी तो टेस्टी लग रहा था बहुत. और मैंने घर पर ही बनाई जलेबियाँ. मेरी जलेबी की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, आपको सारे लिंक्स फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे रेसिपीज़ के. तो अब जलेबी मैंने बना करके सबको खिलाई है क्योंकि मैं बना लेती हूँ अच्छे से जलेबी, पर मुझे ना पसंद भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन हाँ, मैंने ध्यान रखा कि 2-3 पीस से ज़्यादा मैं खुद से ना खाऊं. आज तक मुझे 2 रेसिपी सही लगी हैं जलेबी की. एक तो गिट्स की जलेबी का इंस्टेंट मिक्स आता है वो, नहीं तो फिर भाई अपना खुद का इंस्टेंट मिक्स बनाओ जलेबी का, वो बहुत बढ़िया बनती है. तो उसका रेसिपी का तो मैं लिंक दे सकती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने बहुत सालों पहले वीडियो अपलोड करी हुई है. तो ऐसा तो नहीं है कि उस दिन आप अपने लिए बहुत अच्छा सा हेल्दी खाना बना करके बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता. जब मेहमान आते हैं तो देखो आप और चीज़ें बनाने में बहुत ऑक्यूपाइड रहते हो, कामों में ऑक्यूपाइड रहते हो, तो उसी में से आपको थोड़ा बहुत अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ता है. जैसे जैसे पूरे दिन में खाने को आप डिवाइड करके मैनेज कर सकते हो. देखो अब शादी को होने वाला है 1 साल, बहुत सारे फैमिली डिनर्स हमें करवाए गए हैं, बहुत खाया पिया है हमने, और कभी कभी हमने भी कुछ फैमिली डिनर्स करवाए हैं, आज हम करवा रहे हैं. बाकी पार्टीज़, घूमना फिरना सब कुछ शादी के पहले साल में काफ़ी हो गया है, लेकिन वो सब तो देखो आगे भी चलता रहेगा. लेकिन अपना हेल्थ और डाइट का ध्यान रखने का सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है. सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होने वाला है मेरा, मैं बहुत अच्छे से डाइट का ध्यान रखूँगी और वीडियोज़ बनाऊँगी.